कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन से खेती कर रहे हैं। ओके, हम रेन फेड वाला लैंड को अभी फंड नहीं करते हैं, क्योंकि हमने देखा हुआ है पास्ट में कि जहां पर हम रेन फेड लैंड को फंड करते थे तो वहां पर हमको अपना ब्याज या अपना प्रिंसिपल जो है, जो हम लोगों ने फंड किया था, वो नहीं आ रहा था। नहीं आने का रीजन यही है कि वहां पर हम नेचर को भरोसा रख के कर रहे थे, कभी बारिश हुआ कभी बारिश हुआ नहीं। ओके, कभी लेट बारिश हो गया, कभी कम बारिश हो गया, तो जिसकी वजह से फसल का और उसका हार्वेस्टिंग का, आमदनी का, उसको ऊपर फार्मर को ऊपर उसको दिक्कत होती थी। तो इसीलिए आज के डेट पे फार्मर का खुद का लैंड, उसके ऊपर खुद का सोर्स ऑफ इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन में बोरवेल होते हो सकता है, ओपन वेल हो सकता है, ट्यूबवेल हो सकता है, या कैनाल से पानी हो सकता है। ओके, जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप करता है, जैसे ग्रेप हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, सुगर केन हो गया, या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जैसे पाड़ी, बीट, कॉटन, बाजरा, मूंग, एनी काइंड ऑफ पल्सेस जो भी करते हैं, उसको ऊपर हम उसके फंड करते हैं। फंडिंग कैसे होता है? हमारा हर एक स्केल ऑफ फाइनेंस होता है, क्या क्रॉप उगाता है और कितना लैंड होल्डिंग है। ओके, उसको ऊपर हमारा केसीसी अमाउंट कितना फार्मर को देना होता है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने मूंग या उड़द दाल उगाता है तो उसको थोड़ा कम फंडिंग मिलेगा, अगर वो ग्रेप उगाता है, पोमोग्रेनेट उगाता है तो उससे ज्यादा फंडिंग मिलेगा, सुगर कन उगाता है तो ग्रेप और पोमोग्रेनेट एंड मूंग एंड बीट के बीच में वाला उसको फंडिंग होता है प्रति टन। उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या होता है, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के ऊपर हम लोगों ने 30%, 40%, 50%, 60% हम एंसिलरी एक्सपेंसेस भी देते हैं। जितना अच्छा कस्टमर है, जितना ज्यादा लैंड होल्डिंग है, हम उतना कॉल लेते हैं एंसिलरी एक्सपेंसेस उसको देने के लिए। ये केसीसी का बेसिक फीचर्स है। 5 साल के लिए देते हैं, एनुअली इसका रिव्यू होता है। ओके, 2 बार इंटरेस्ट लगता है हमारा, अप्रैल में और अक्टूबर में। अगर पाड़ी, मूंग, वीट, कॉटन, ओके, उड़द दाल, बाजरा, गेहूं जो भी वो उगाता है तो हम उसका क्रॉपिंग साइकिल के हिसाब से, ओके, उसका अप्रैल में और अक्टूबर में मंथ एंड में इंटरेस्ट लगता है साल में 2 बार। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो उसके लिए साल में 1 बार इंटरेस्ट लगता है। जितना फार्मर को, मान लो किसी फार्मर को मैंने 10 लाख का लिमिट दिया और 10 लाख मैंने में से अगर उसने आज 6 लाख यूटिलाइज किया तो 6 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, अगर उसने 8 लाख यूज किया तो 8 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, 2 लाख यूज किया तो 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो यूटिलाइजेशन के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट लगता है और 2 बार उसको डेबिट होता है अकाउंट पे और उसका कलेक्शन हम लोग करते हैं। ये रिव्यू कैसे होता है सालाना? हम जितना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और एंसिलरी भी करते हैं और उसको ऊपर इंश्योरेंस कंपलसरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से इंश्योरेंस कंपलसरी है, क्रॉप इंश्योरेंस। ओके, जो क्रॉप वो उगाता है, कस्टमर ने जो डिक्लेयर किया है उसके हिसाब से जो एनएआईएस नेशनल इंश्योरेंस अथॉरिटी सिस्टम्स के हिसाब से जो आम को प्रीमियम लगाता है, वो प्रीमियम हम कस्टमर का बिहाफ से, ओके, इंश्योरेंस उसको करते हैं और वो अकाउंट उसका पैसा हम अपना केसीसी, कस्टमर का केसीसी अकाउंट से हाँ हम भाई डेबिट भाई, मार, फुल कस्टमर इंजेक्ट के, ओके कस्टमर के अकाउंट से वो डेबिट मारते हैं। ओके, और जो इंश्योरेंस अमाउंट भी होता है वो अमाउंट भी हम लोगों ने उसको लिमिट सेटअप करने के टाइम पे फंड करते हैं। ओके, मान लीजिए 1 लाख का फंडिंग किया मैंने और 1 लाख के फंडिंग बैठता है उसका अपना ऑपरेटिंग गाइडलाइंस के हिसाब से,
और उसके ऊपर मैं 5% एडिशनल फंडिंग करता हूँ, 1,05,000 फंडिंग करता हूँ, 1,00,000 कस्टमर यूटिलाइज कर पाएगा और 5,00,000 को, 5,000 को मैं उसको लीन मार्क करके रखूंगा। वो 5,000 के ऊपर वो कस्टमर को तब तक इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा जब तक मैं उस अकाउंट को वो 5,000 में से उसका इंश्योरेंस निकाल के गवर्नमेंट को ना पे किया हूं। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंसी के साथ रहता है। हर साल रिव्यू करते हैं, मान लीजिए किसी ने जुलाई 1 को लिया था ओके लिमिट 2020 को, तो 30 जून 2021 को उसका रिव्यू ड्यू हो जाएगा। वो साल में अगर उसने टाइमली इंटरेस्ट भरा है और उसमें चर्निंग किया है, मतलब आज अगर उसको 1,00,000 का लिमिट मैंने दिया और उसको साल में जितना भी उसने अपना अकाउंट पे क्रेडिट किया है, चाहे वो 20 बार किया हो या 5 बार किया हो या 1 बार भी किया हो, जितना भी कस्टमर ने उस अकाउंट पे क्रेडिट किया है पैसा, खेती का पैसा या उसका क्रॉप सेलिंग का पैसा या उसका दुकान का पैसा या किसी का भी पैसा आके वो केसीसी अकाउंट पे उसने क्रेडिट किया है, वो क्रेडिट अगर उसका 1,00,000 तक, अगर उसका 1,00,000 के लिमिट में पूरा साल भर का क्रेडिट 1,00,000 हो जाता है और दोस्त जो इंटरेस्ट लगता है वो टाइमली पे किया है, देन वो मेरे लिए अच्छा कस्टमर है और उस कस्टमर को मैं एनुअल रिव्यू करता हूँ और उसके ऊपर मैं 10% एनहांसमेंट देता हूँ। 1,00,000 का लिमिट देता हूँ तो उसको 1 साल के बाद 1,10,000 रुपया हो जाता है। 5 साल के बाद ये रिन्यूअल के लिए होता है ओके। मतलब क्या है, उस अकाउंट को मैं एनुअल रिव्यू करने के लिए कस्टमर को कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ देना नहीं पड़ेगा, बट 5 साल में कस्टमर के लिए मैं रिन्यू करूंगा तो उसे एक मैं रिक्वेस्ट लेटर लूंगा और उसका जो लैंड जिसके ऊपर मैंने फंड किया है ओके, मान लीजिए किसी एक कस्टमर ने 10 एकड़ है, 10 एकड़ में से वो 4 एकड़ में गन्ना उगाता है और 4 एकड़ में पाड़ी बीट करता है और 2 एकड़ में से वेजिटेबल करता है या दूसरा क्रॉप करता है, तो मैं उसको वैलिडेट करता हूँ लिमिट बनाने के टाइम पे और वो 10 एकड़ पे कस्टमर का क्रॉप के हिसाब से कितना लिमिट बैठना चाहिए वो मैं बिठा देता हूँ। और सिंस वो 10 एकड़ मेरे को उसने दिया था जिससे मैंने अपना केसीसी का लिमिट कैलकुलेट किया था, वो पूरा 10 एकड़ मैं अपने कस्टमर को मॉर्गेज करने के लिए बोलता हूँ ओके। और उसने मेरे को लिमिट करने से पहले मॉर्गेज करके दे देता है और वो मेरा मॉर्गेज होके रहता है। जब मैं एनुअल रिव्यू करता हूँ तो मेरे को सिर्फ इंटरनली चेक करना पड़ता है कि उसने चर्निंग किया है या नहीं किया है और इंटरेस्ट जो दोनों देना चाहिए था वो पे किया है नहीं किया है। अगर ये दो कंडीशन उसका सेटिस्फाई हो गया तो उसको मैं 10% एनहांसमेंट दिया। हर साल 10% में एनहांसमेंट देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि 1,00,000 जिसको 1 साल में मैंने साल नंबर 1 में दिया था, वो 5वें साल में उसी लिमिट को अगर अच्छा पे करता जाता है तो कस्टमर वो 1,46,000 आके बैठ जाता है, क्योंकि पहले साल वो 1,10,000 हो जाएगा, दूसरे साल उसको 1,21,000 हो जाएगा, तीसरे साल उसको 1,42,000 हो जाएगा, ऐसे बढ़ बढ़ के वो 1,46,000 हो जाता है 5वें साल में। 5 साल में मैं उसका मॉर्गेज एक बार कंफर्म करता हूँ कि वो जो मैंने मॉर्गेज किया था वो आज के डेट पे है कि नहीं, क्योंकि अपना तलाटी में तबादला, सर्वे नंबर चेंज, ये वो होता रहता है। तो 5 साल में मेरा एक इंटरनल नॉर्म है कि उस कस्टमर का सब कुछ सही है या नहीं है, और एक रिक्वेस्ट लेटर लेता हूँ और उस कस्टमर को मैं फिर से एक बार 5 साल के लिए रिन्यू कर देता हूँ। ये है मेरा सिंपल केसीसी प्रोडक्ट ओके। इसमें आपको इंश्योरेंस के लिए भी फंडिंग मिलता है, 1 साल आपको लिमिट दे दिया तो 5 साल तक आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ेगा, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद भी आपको उसको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा ओके। और ये हम ओडी प्रोडक्ट जैसा देते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको हर महीना ये में देना पड़े या हर साल उसको रिपेमेंट करना पड़े ओके। उसको सिर्फ अपना अकाउंट एक बार खोल लिया आईसीआईसीआई के साथ तो अपना क्रॉप का जो पेमेंट वो बेचता है फार्मर, वो क्रॉप का पेमेंट हम अपना अकाउंट के थ्रू से उसने रूट कर दिया
तो उस कस्टमर हमारे लिए अच्छा कस्टमर बोल के हम उसको लिमिट करते हैं। हम दूसरा बैंक का भी किसी के पास लिमिट चलता है, ओके वो 2 साल से चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसको भी मैं टेक ओवर कर सकता हूँ, वो भी हमारे लिए पॉसिबल है, ओके कि मैं उसको 30% एक्स्ट्रा फंडिंग करूंगा अगर वो 2 साल से किसी दूसरा बैंक में चला रहा है, और वो 30% फंड करके मैं उसका दूसरा बैंक का लोन क्लोज करके अपना बैंक में उसका लिमिट बिठा देता हूँ, ये मेरे को बैलेंस ट्रांसफर भी बोलते हैं। ओके सो दिस इज बेसिक। अभी फिलहाल हम लोग अपना बैंक में कम से कम राइट नंबर तो मेरे को पता नहीं, एक 9-10 लाख कस्टमर को हम लोगों ने फंड कर ही चुके हैं, मोर देन 10 लाख हमारा फार्मर बेस है। ओके और यही है, अगर आपको कुछ डाउट है क्या है वो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो मनोज जी धन्यवाद। अभी अभिजीत डॉक्टर विश्वनाथ पलार और बाकी लोग जो आज यहाँ पे हैं, उनको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो आपके किसान मित्रों के लिए। सर मैंने 3-4 सवाल पूछा था चैट बॉक्स में। अच्छा एक मिनट, वही मैं रिपीट करता चाहिए तो। हाँ आप कर पाएंगे रिपीट तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए फोन पे देखना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मैं फोन पे लॉगिन किया। नो प्रॉब्लम। हु आर द एलिजिबल फार्मर्स टू गेट अ केसीसी, मींस व्हाट आर द क्राइटेरिया एंड हाउ दे शुड अप्रोच आईसीआईसीआई। सेकंड वन, एनी आईसीआईसीआई बैंक डील विद केसीसी और एनी स्पेसिफिक ब्रांचेस आर देयर। एंड द थर्ड सवाल इज हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एंड व्हाट इज द टेन्योर। द लास्ट वन, ये केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट होना जरूरी है क्या? ओके पहला सवाल मेरा, मैं आपका सवाल का ऊपर नीचे करके आंसर दे सकता हूं सर, अगर कुछ छूटता है तो मेरे को बता दीजिए। ठीक है, क्रेडिट कार्ड और इसमें एक ही डिफरेंस है सर, क्रेडिट कार्ड में हम कुछ सिक्योरिटी लेते नहीं है। ओके ये भी किसान क्रेडिट कार्ड ही है, केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। ओके जो जनरल क्रेडिट कार्ड में हमारे पास कोई बैंक, किसी भी बैंक हमसे कोई सिक्योरिटी लेता नहीं है। और यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी लैंड रहता है। ओके और बड़ा केस है तो मान लीजिए 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख वाला कस्टमर अगर आता है मेरे पास, तो उसको हम लैंड की वजह से हम उसका घर या उसका कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो हम लोगों ने मॉर्गेज लेने की कोशिश करते हैं। ओके अगर नॉर्मल कस्टमर 10-12-15 लाख वाला, 5-8 लाख वाला कस्टमर है तो जो लैंड पे वो खेती करता है वो लैंड हम लोग मॉर्गेज लेते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस अगर आपका क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड के बीच में है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड में आपको 22% 24% का इंटरेस्ट लगता है। ओके और आप डिफॉल्ट करोगे तो उसमें पेनल इंटरेस्ट वो सब इंटरेस्ट करके आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। ओके किसान क्रेडिट कार्ड में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कुछ 12% तक चल रहा है, 11% से 12% तक चलता है। ओके वो हर महीना या हर क्वार्टर में जब आरबीआई का पॉलिसी निकलता है उसके हिसाब से चेंज होता रहता है, बट फिलहाल ये आप क्रेडिट कार्ड के साथ कंपेयर करोगे तो उससे आधा ही रहता है। मतलब वहां पर 22% 24% चार्ज करते हो तो यहाँ पर हम 11% या 12% चार्ज करते हैं। ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर, हमारा कोई अर्बन लोकेशन पे आप जाओगे, ओके मुंबई में जाओगे या आप नासिक में जाओगे, ओके तो नासिक मुंबई वाला ब्रांचेस में आप जाओगे तो वहां पर किसान क्रेडिट कार्ड करते नहीं है क्योंकि वहां पर कोई फार्मर हो नहीं होता है। ओके लेकिन आप किसी भी सिटी गांव में या छोटा शहर में या थोड़ा जैसे आपका औरंगाबाद हो गया या आपका सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर ऐसे वाला अगर लोकेशन हो गया, वहां पर किसी भी आप ब्रांच को जाओगे तो आपको वहां पर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आप लोन मांग सकते हो। ओके बहुत कम ब्रांच है सिटीज में, जैसे कि मुंबई हो गया, पुणे हो गया। ओके या आप महाराष्ट्र में हो इसलिए शायद मैं महाराष्ट्र का ही शहर का नाम ले रहा हूँ। ओके तो वो शहर वाला ब्रांच में शायद उनको पता नहीं होता है क्योंकि वहां पर आते नहीं है फार्मर। ओके अदर देन दैट किसी भी ब्रांच पे आप जाओगे तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा।
आपका चौथा क्या था सर? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सर कि आज के डेट पे हम ना, आपको फ्रैंकली में बताऊंगा तो हम भी एक बैंक है, हमारे भी बैंक में आपके या मेरे जैसे लोगों का ही पैसा लगा हुआ है, है ना? बैंक का तो कोई एक पार्टिकुलर ओनर नहीं है, ओके, बट शेयर होल्डर जो है, आप भी शेयर होल्डर हो सकते हो, मैं भी शेयर होल्डर हो सकता हूँ, या मैं शायद शेयर होल्डर नहीं हूँ तो भी मैं नौकरी कर रहा हूँ, और जब तक मेरा बैंक अच्छा करता है तब तक मेरा नौकरी सलामत है, ओके। तो उस लॉजिक को आप आंखें में देखोगे तो कोई भी बिजनेसमैन के हिसाब से हम ये सोचते हैं आज के डेट पे कि जितना मैं बड़ा फार्मर को फंड करूं उतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि बड़ा फार्मर का सस्टेनेबिलिटी या उसका कोई दूसरा इनकम है, तीसरा इनकम है, या वो बहुत दिन से थोड़ा अच्छा वाला लैंड होल्डिंग को अपना ट्रैक्टर रख के, अपना एग्री इम्प्लीमेंट रख के वो सब खेती करता है, तो मेरे को एक ही चीज है ना सर, अगर मैं आपको 5 लाख का फंड करूंगा और निखिल जी को मान लीजिए 15 लाख का मैं फंड करूँ, ठीक है, मैं निखिल जी को कलेक्शन करने के लिए या फोन करने के लिए या उनको विजिट करने के लिए जितना खर्चा होगा, आपको भी विजिट करने के लिए उतना खर्चा होगा, लेकिन जो मैं निखिल जी से कलेक्शन करूंगा वो 15 लाख के लिए करूंगा, और कोई फार्मर के लिए या आपके लिए या मेरे लिए है तो 5 लाख के लिए करूंगा, खर्चा दोनों के लिए बराबर है। तो बैंक के हिसाब से हम देखते हैं कि जितना मैं अच्छा फंड करूँ, बड़ा फार्मर को फंड करूँ, ओके, टिकेट साइज थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, उसके लिए ही मैं थोड़ा फिल्टर करता हूँ आज के डेट पे। अदरवाइज एनी लैंड होल्डर हैविंग ए मिनिमम ऑफ 2 acres ऑफ लैंड होल्डिंग विथ कैश क्रॉप, ओके, पोमोग्रेनेट ग्रेप वाला क्रॉप है तो 2 acres है, और बाकी जैसा फार्मर है जो बीट पाड़ी कटन, ओके, दाल मूंग ऐसे वाला करते हैं, तो उसके लिए 4 acres वाला फार्मर है तो दे आर एलिजिबल फॉर केसीसी। राइट सर, थैंक यू। और कोई सवाल? एक्चुअली मनोज जी, बहुत सारे लोग बाद में ज्वाइन किए, अभी ऑलमोस्ट 40 लोग हो गए, तो मुझे पता नहीं कौन कब क्या ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी पुष्कर जी, अभिजीत जी आपको कोई सवाल है, इमरान जी आपको कोई सवाल है, मनसुख जी आप लोग सुन, अगर आप लेट में आप ज्वाइन किए हैं, आपको कुछ पूछना है प्रोडक्ट के बारे में, कुछ भी पूछ सकते हैं। Abhijit, are you able to hear me? No, sir. Yeah, I'm able to hear you. This PPT could anyways be shared with us, na? That I'm not sure. Manoj ji, ye share hoga kya? Mereko ek bar check karna padega, sir. To aap bas ek bar button. Acha, ya fir aap bas ek bar ek aap Abhijit ji, aap late join kare kiye ho kya? तो एक बार ये बस ब्रीफली बता देंगे फिर आपको, फिर उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। मेरा एक क्वेश्चन है ICICI के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे नहीं, बट मेरा एक क्वेश्चन रिगार्डिंग केसीसी पे। हमारे यहाँ एक छोटा प्रॉब्लम फेस करते हैं केसीसी में, क्या हो रहा है कि फार्मर्स ने केसीसी लिया हुआ है, ठीक है, तो अब ये मनोज जी जरा से मेरे पे एक्सप्लेन करें क्या हो जा रहा है। मोस्टली यहाँ क्योंकि लीड ब्रांच है मेरे ख्याल से यूनियन बैंक, तो आगे ब्रांच है ग्रामीण बैंक, उसके थ्रू बटे हैं। अब क्या हो रहा है कि फार्मर्स कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोगों के साथ, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा प्रमोटेड है उनके साथ करने में डिजिटल कैश ट्रांजैक्शन या डायरेक्ट पैसा नहीं लेना चाहते अपने अकाउंट्स में। वो ये बोलते हैं कि हमारा केसीसी चल रहा है इस पर्टिकुलर ब्रांच में, तो अगर कोई पैसा मेरे अकाउंट में आएगा वो ब्लॉक हो जाता है केसीसी की किस्तें विस्तें भरने के लिए। तो जहां तक मेरे को फाइनेंशियल का नॉलेज है कि ऐसा कोई बैंक कर नहीं सकता, आपका किसके ऊपर क्या कमेंट होगा? देखिए सर, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि मैं उसको जितना सीधा आपको आंसर दे पाऊँ उतना अच्छा है। कि मैं मान लीजिए निखिल जी को फंड किया हूँ, ओके, और निखिल जी को मैंने फंड किया हूँ उनका एग्री इनकम को लेके, और मैं इसलिए निखिल जी को फंड किया क्योंकि मेरे को, मान लीजिए मैं निखिल जी को 10 लाख रुपया दिया केसीसी,
ओके 10 लाख रुपया दिया तो मेरा दो इंटेंशन है कि निखिल जी ये 10 लाख रुपया लिए और वो अपना खेती में जितना खर्चा आता है उनको डे टू डे एक्सपेंसेस जो करने के लिए है, कल्टीवेशन करने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए, पंप सेट लगाने के लिए, जो भी उनको खर्चा है वो खर्चा इस केसीसी का लिमिट से उन्होंने यूटिलाइज करे और अपना खेती बाड़ी संभाले और वहां से वो पैसा उगाए, उनको फायदा हो. ओके, दैट इज द पर्पज फॉर विच इवन ए फार्मर वुड टेक द लोन. हमारा पर्पज क्या है कि हम 10 लाख रुपया देते हैं लोन. ओके, टाइमली निखिल जी को जब मैं मांगता हूँ वो 10 लाख रुपया मेरे को वापस आ जाए और दो बार मेरे को जब इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट का पैसा वो टाइमली मेरे को भर दे, क्योंकि जो 10 लाख रुपया मैं निखिल जी को दिया हूँ वो 10 लाख रुपया किसी से मेरे को डिपोजिट से लिया है. ओके, मान लीजिए आपसे डिपोजिट 2 लाख का लिया, मेरे से 5 लाख का लिया, किसी और से 3 लाख का लिया, ऐसे 10 लाख मैंने तीनों डिपोजिटर से कलेक्ट किया. बैंक का तो कुछ का कुछ पैसा होता नहीं है, किसी भी बैंक ले लो, आप SLBC वाला लीड बैंक का भी ले लो या SBI ले लो या यूनियन बैंक ले लो या ICICI बैंक ले लो, एक हाथ से डिपॉजिट लेते हैं और दूसरा हाथ से लेंडिंग करते हैं. डिपॉजिट मैंने आज के डेट पे 6%, 7%, 8% पे लेता हूँ और 10% या 11% पे मैं KCC देता हूँ या 12% पे KCC देता हूँ. इस बीच में मेरे को तनख्वाह है, मेरे को ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मेरे को कलेक्शन कॉस्ट है, मेरे को कस्टमर का स्टेशनरी देखना, उसको फोन करना, उसके लिए कस्टमर मेरा सोर्सिंग ऑफिसर जाके घूमना, ये सब जाके मेरा वो भी खर्चा होना है. जब मैं किसी भी कस्टमर को फंड करता हूँ मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब निखिल जी मेरे को 10 लाख रुपया टाइमली अगर नहीं देंगे तो ये जो 3 डिपोजिटर मेरे को मांगेंगे उन 3 डिपोजिटर को मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि भैया तुम्हारा जो पैसा है मैं निखिल जी को लोन पे दिया हूँ वो अगर मेरे को टाइमली देंगे तभी जाके मैं तुमको तुम्हारा डिपॉजिट रिफंड करूंगा. तो पॉइंट वहीं पर आके अटक जाता है. तो अगर वो वाला बात मैं समझ गया, मैं बस एक स्ट्रक्चर समझना चाह रहा था एज अ बैंकर आपसे कि सपोज किसी फार्मर के 2 अकाउंट हैं, ठीक है, एक आर्यवर्त में है और एक मान के चलिए एक और किसी ग्रामीण बैंक में है, उसका KCC आर्यवर्त में है, मे भी जो होना नहीं चाहिए, जो गलत चीज है, जो कोई नहीं करना चाहिए, उसका एक जगह KCC फंस रहा है, तो क्या बैंक के पास अथॉरिटी होती है कि वो उसका अकाउंट सीज, उसका कोई दूसरा अकाउंट है जिसमें उसको कहीं और से पेमेंट आ रहा है उस अकाउंट को लॉक कर दे कि उससे डेबिट ना निकल पाए या उस अकाउंट का पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे जिससे KCC पेज हो जाए? आपका अकाउंट अगर मेरे साथ है और आर्यवर्त बैंक के साथ है, मैं आर्यवर्त बैंक को मैं कैसे डिपॉजिट आपका उसका लॉकिंग कर पाऊंगा सर? वो तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा जब तक आप मेरे को कंसेंट ना दे. पहला चीज, अगर मेरा बैंक मेरा डिपॉजिट आर्यवर्त में ही है सपोज, और मेरा भी आर्यवर्त में है और मान के चलिए मैं अपना केसीसी का इंस्टॉलमेंट ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, तब क्या बैंक के पास ये पावर है कि वो अपने डिपॉजिटर का अकाउंट लॉक कर दे? हाँ, वो कर सकता है सर, पैसा तो उसी नहीं, एक ही कस्टमर को ही दिया है. हाँ, अच्छा, मैं तो आपको ही दिया हूँ. हाँ, हमें अगर मान लीजिए ना मैं आपको ही दिया हूँ, आपको एक हाथ में मैंने 5 लाख का लोन दिया और दूसरे हाथ में आपका 3 लाख का डिपॉजिट मेरे पास पड़ा हुआ है. ओके, तो आप बोलोगे कि मेरा डिपॉजिट को आप अलग तरीके से देखो और आपसे मैं लोन जो लिया हूँ उसको अलग तरीके से देखो. ओके, वो तो बैंक सोचेगा नहीं. ओके, तो ये मैंने लीगली अलाउड है ये करना? हाँ, ये लीगली अलाउड है. तो लीगली मतलब क्या है, अगर आप किसी कस्टमर ने जाके बोलेगा कि मेरा डिपॉजिट वापस नहीं कर रहा है, ओके, उसी बैंक भी जाके उसी फोरम पे जाके बोलेगा कि इसने मेरे को 5 लाख का लोन दिया है वो भी वापस नहीं कर रहा है. ठीक है, मेरा एक मेजर क्वेश्चन मेरा ये था. एक सेकंड क्वेश्चन मनोज जी मेरा ये था कि KCC जो गवर्नमेंट के थ्रू सब ये सब हो रहा है उसके इंटरेस्ट रेट क्या पहले 6 महीने तक सिर्फ 2-3% है? सर, वो एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम बोल के एक स्कीम है. ओके, अच्छा, ओके, वो क्या होता है कि ये सब लार्जली ना आपका नेशनलाइज्ड बैंक प्रमोट करते हैं. ओके, क्योंकि उनको फंडिंग बैंक से, बैंक का फंडिंग सब गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है. ओके, तो उससे क्या होता है कि आपको 7% पे दिया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और आपने अगर टाइमली इंटरेस्ट भरा, ठीक है, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, एक साल के बाद वो बैंक आपका कंडक्ट वो डिक्लेयर करेगा RBI को, ठीक है, और उसको नाबार्ड को भी, कभी नाबार्ड के थ्रू से आता है, कभी NHB के थ्रू से आता है, कभी RBI के थ्रू से आता है, तो वो डेटा सबमिट करता है. वो बोलता है कि XYZ फलाना 3 कस्टमर है,
इनको हमने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पे दिया था और सात रेट पे 7% इंटरेस्ट रेट पे इसका चल रहा है okay, और इसमें उसने राइटली इंटरेस्ट भर दिया है तो उसको क्या करता है 4% इंटरेस्ट रेट वो वापस कर देता है बैंक को, ठीक है, तो वो पैसा कस्टमर को अल्टीमेटली वापस चला जाता है। तो आपको 7% इंटरेस्ट दिया जब आपने पे किया और 4% आपका गवर्नमेंट ने रीइंबर्स कर दिया तो आपके लिए वो 3% हो गया क्योंकि आपको 4% वापस मिल गया। ओके ठीक है, थैंक यू। मनसुख जी ने एक सवाल डाला है चैट पे, वो पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स क्या है अभी फिलहाल केसीसी के। सर अभी फिलहाल हमारा इंटरेस्ट रेट्स मैं अभी कंफर्म नहीं बता पाऊंगा बट 12% के आसपास है। ठीक है, मेरे को थोड़ा चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैं मोबाइल पे हूँ ना ओके okay, तो मैं सिस्टम नहीं देख पा रहा हूँ, आप सिग्नल के लिए मैं बाहर आ गया बट अराउंड 12% है सर। ठीक है, मनसुख जी इसी रेट पुष्कर, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। इसी रेट पे ही लगभग 0.5% 0.25% ऊपर नीचे बैंक टू बैंक हो सकता है बट इसी रेट पे ही सब देते हैं आज के डेट। ठीक है, राजीव जी आपने भी ज्वाइन किया हुआ है, पुष्कर जी है और मनसुख जी, आपको और कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं और अगर बात नहीं कर पा रहे हो तो आप चैट पे डाल सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, बोलिए पुष्कर जी। जैसा कि इसमें बताया है कि जो किसान है जो खुद खेती कर रहा है और तो ये कैसे पता लगाएंगे कि वो खुद ही खेती कर रहा है या मतलब उसने किसी और को दे के रखा है या कुछ इसका कुछ क्राइटेरिया है ऐसा कुछ? वो हमारा इंटरनल चेक्स है सर। ओके ओके, इंटरनल चेक्स मतलब हम कस्टमर को जाके मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके पास कितना जमीन है, क्या खेती उगाते हो, क्या करते हो बोल के, और उसमें FI होता है, FI मतलब फील्ड इन्वेस्टिगेशन होता है। ओके, हमारे पीपल जाके देखते हैं कि मनसुख जी का इतना लैंड है वो खेती करते हैं या नहीं करते हैं, आपसे पूछते हैं, आपका आजू बाजू आस पड़ोस गांव में किसी को भी पूछते हैं और कंफर्म होता है तो करते हैं, नहीं कंफर्म होता है तो नहीं करते हैं। हेलो हेलो सिद्धि, अगर आप Yeah. Siddhi also has joined from JSW. Siddhi, you have any questions for you or your team? Siddhi, are you able to hear me? ठीक है, I think I don't know मतलब उनको सुनो। मेरा 2-3 सवाल होगा। Okay. हाँ, मेरे को आपसे जानना थोड़ा चाहिए। बिल्कुल, जो यहाँ पर मनसुख जी है या बाकी लोग भी है, इन जेंटलमैन दे आर इन चार्ज ऑफ सम FPOs, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस, सो या सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन बेसिकली, सम आर बेसिकली फ्रॉम आर पार्टनर्स एसोसिएशन लाइक JSW फाउंडेशन है, टैनेजर है, डॉक्टर रेड्डीज है, इस टाइप के, एंड देन देयर आर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम FPOs आल्सो। तो आप पूछ सकते हैं सवाल। या तो जो आपका फाउंडेशन है, जो पार्टनर है, लाइक एज यू मेंशन JSW हो या डॉक्टर रेड्डीज लैब हो या जो भी है, ओके, इनका फार्मर बेस क्या रहता है और इनका फार्मर का साइज कैसे रहता है, क्या किस हिसाब से इन लोगों का फार्मर के साथ डीलिंग रहता है, अगर उसके ऊपर थोड़ा आप मेरे को नॉलेज दे सकते हो तो दैट वुड बी ऑफ। बिल्कुल, तो सबका काफी अलग रहेगा बिकॉज ऑफ द रीजन, बट जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, अभिजीत जी आपके एरिया का जो अभिजीत जी है वो जो पूरा यूपी देखते हैं, मैं उनको पूछना चाहूंगा कि वो एक थोड़ा सा आइडिया दे दे अपने साइड का, देन वी कैन टेक सम अदर ज्योग्राफी, गुजरात ऑल्सो एंड कर्नाटका ऑल्सो, इस तरह से हम कर निखिल आइडिया चाहिए था एग्जैक्ट
कितने नंबर ऑफ फार्मर्स है और उनका एवरेज लैंड होल्डिंग साइज क्या है ये जानना चाहिए। हम देयर अबाउट 22000 फार्मर्स है, एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इज 1.5 एकर्स। तो ये यूपी का ये बता रहे हैं और ना यूपी का मैं नहीं बता रहा। नहीं, ये आपके प्रोजेक्ट का ना, यूपी के प्रोजेक्ट का बता रहे हो ना आप। एंड ये फार्मर के साथ आपका क्या मतलब, व्हाट इज दैट यू डू फॉर दिस फार्मर सर? आई मीन वी हैव अ फार्मर बेस ऑफ 22000 प्लस आई वुड से। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग देम गैप ट्रेनिंग्स ऑन गैप ऑन मिंट क्रॉप ओनली। सो वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग देम प्लांटिंग मटेरियल फॉर मिंट क्रॉप एंड वी हैव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज व्हिच आर आल्सो प्रोक्योरिंग ऑयल from these particular farmers, but not all 22,000 farmers. The procurement is, I would say, between 1,000 to 1,500 farmers. Okay. And we all, the farmer producer companies also have their input shops. Right now, we have 3 input shops. Okay. But major work is, of course, in GAP, so that the yields of farmers increase, cost of production goes down, water usage also decreases. Okay. And Gujarat mein? यस सर, गुजरात में सर हम लोग ऑलमोस्ट 3000 फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं। ज्यादातर फार्मर्स जो हैं उनके पास लगभग 2 से 2.5 एकड़ जमीन है, 5 बीघा, यहाँ पे बीघा के हिसाब से चलता है तो लग 10 बीघा ज्यादातर फार्मर्स के पास में। हम ग्राउंडनट के ऊपर काम कर रहे हैं और अभी इस साल हमने एग्रो शॉप भी स्टार्ट किया है और जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो ग्राउंडनट है हम वो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के द्वारा उनसे वो प्रोड्यूस करवाते। एंड व्हिच एरिया ऑफ गुजरात यू आर? सौराष्ट्र, जूनागढ़। सौराष्ट्र, जूनागढ़, ओके। एंड यूपी सर, मिस्टर अभिजीत? ये बाराबंकी साइड काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। ओके। फिर डॉक्टर विश्वनाथ पलाड़ जी भी है जेएसडब्ल्यू से, वो भी बता सकते हैं, वो कर्नाटक में काम कर रहे हैं। विश्वनाथ जी, जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन में तमिलनाडु एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र, रत्नागिरी सब जगह में हमारा फार्मर्स है। तो कर्नाटक में हम अभी 8-9 विलेज में काम कर रहे हैं, कई 8 साल से काम कर रहे हैं। उनका सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, क्रॉप डाइवर्सिटी वो सब हमने किया है। अभी हमने एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन करके रजिस्ट्रेशन किया, उसमें कम से कम अभी 400 मेंबर्स रेडी है, बाकी सब मिला के अराउंड मिनिमम 5000 फार्मर्स है। तो इनका एवरेज लैंड है 2 से 3 एकड़ लैंड है, तो हम इनको मार्केट लिंकेज करने का अभी प्रयास चालू है। 8 साल से हमारा पूरा इंटरवेंशन खत्म हो गए, अभी ओनली मार्केट लिंकेज के लिए फार्मर्स को इकट्ठा करके एपीओ रजिस्ट्रेशन किया। इस फार्मर्स को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ऑलरेडी अकाउंट ओपन कर दिया, बट बाकी लोगों के साथ हम लिंक करना चाहते हैं। ओके, यहाँ से ही मैं सबके लिए एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, जो मिस्टर पल्लाड ने मेरे को हिंट भी दे दिया है। क्या हम इन फार्मर्स के साथ, चाहे आप गुजरात में हो या यूपी में हो या सदर्न स्टेट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र भी हो, अदर देन वी प्रमोटिंग देम विथ दिस फार्मर्स इन टर्म्स ऑफ दे गोइंग फॉर हाई यील्ड क्रॉप, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, okay, then helping them to sell their produce and so on and so forth, are we also promoting them to inculcate the habit of banking? Okay, ki aap accounts open karo, uske through se aapka transaction kiya karo, ya agar aapko fertilizers khareedna hai to aap usko bank ke through se pay karo, ya aapko crop agar aap bechte ho to usko aap account pe leke jao, aise kuch karte hain ya wahan tak abhi hum logo ne gaye nahi? हाँ जी, हम करवा रहे हैं, उसके साथ फार्म इंश्योरेंस का भी अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है। विमेन्स हेल्पर ग्रुप से हमारे पास 350 विमेन्स हेल्पर ग्रुप, इन फार्मर्स का वाइफ्स है, उनका एसएचजी बनाया, फेडरेशन बनाया, अभी इन फार्मर को फार्मर्स इंटरेस्टेड ग्रुप्स करके बनाया FIG। तो इनको हम सेविंग्स हैबिट सिखा रहे हैं, इंश्योरेंस का अवेयरनेस कर रहे हैं, अलग अलग स्कीम्स का। ओके, एंड सौराष्ट्र में सर? सौराष्ट्र में सर थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, यहाँ पे लोगों का बहुत ज्यादा जानकारी रहती है उनके पास ऑलरेडी, तो जो स्कीम्स सपोज किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, वो उनको बहुत सारी चीजें इसके बारे में पहले से ही पता है और वो कर भी
ही रहे हैं सर। तो कई बार जैसे हम अभी तो जस्ट हमने मतलब स्टार्ट ही किया है, तो अभी तो सभी लोग मतलब हम ट्राई करेंगे इस चीज के लिए। ओके एंड मिस्टर निखिल, एज फार एज यू कंसर्न, ओके, अंडर योर सफल फसल अम्ब्रेला, ओके, हाउ आर यू लिंक्ड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन लाइक योर डॉक्टर रेडी या जेएसडब्ल्यू? So all these organizations are partner organizations basically. So this organization are looking for empowering their farmers in terms of kis tarah se hum competitive price pe inputs provide kar sake by connecting them with the best of the input companies. So we are helping them in that. That is one thing. Second thing is we are also planning for a lot of webinars, just like ye KCC pe kiya, is tarah se aur webinars also we keep on conducting to create awareness about best practices in agriculture for all the farmers associated with our partners. Third thing is we help them in to get market linkages for their producers, for the farmers basically. And aapko cash discounting ka to you know only. So with ICICI we are trying to do. So all this time, all whatever interventions is possible for a Kisan Mitra so that his life becomes better, we are providing it through our platform. Okay. Yeah. See, as of now, we are also doing something for this segment. Okay. Abhi bahut early stage pe hai. I will not be, even if I say something also, it will be very early for me, premature for me to come. मनोज जी आपका आवाज चला गया है बीच में। हेलो। हाँ हाँ यस। ओके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज दैट कि इन दिस सेगमेंट, ओके, वी आर आल्सो ट्राइंग टू बिल्ड सम मैकेनिज्म वेयर बाय वी विल बी आल्सो हेल्पिंग फार्मर्स डिजिटली, ओके, दैट वी हैव स्टार्टेड बिकॉज़ जब ये कोविड वाला सिचुएशन आया और दो महीने में हमारे पास ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, या जब हम लोग मार्केट में जा नहीं पा रहे थे, तब हमको आइडियाज आया कि कहाँ पर कौन सा सेगमेंट में हमको ज्यादातर काम करना चाहिए आगे जाके। तो वन आइडिया विच केम टू आवर माइंड इज टू ऑल्सो लुक एट द एफपीओ सेगमेंट वेयर वी कैन लिंक एफपीओ टू द फार्मर्स एंड फार्मर्स टू एफपीओ एंड देन एफपीओ टू द एनजीओ या पार्टनर एंड पार्टनर टू द मार्केट या कॉर्पोरेट लाइक यूर रिलायंस फ्रेश या आपका डीमार्ट हो गया या आपका मान लो कि हेरिटेज हो गया या जॉइंट शॉप हो। तो उसके ऊपर हमारे साथ कुछ चल रहा है, जब आएगा तो प्रोबेबली आई विल बी एबल टू शेयर दैट इन सर्टेनिटी विद मिस्टर निखिल एज वेल। Okay, but this is what I can say as of now. और कुछ है आपको पूछना है? और किसी को कोई सवाल है? चैट बॉक्स के तो सारे सवाल हमने आंसर कर दिए हैं, इसके अलावा किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं, else then we can close. I don't think. मनोज जी थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. My honor to come on this such type of call and interact with you people. Okay, you have been doing a good job, and I hope we also, as a banker, will come into the segment, and wherever we can of any kind of help, we are definitely there. Sure, sir. Sure, sir. Thanks a lot. We'll also come back to you if there is any requirement from our partner side. We'll definitely get back to you on that stuff. Sure, sir. Thank you, Nikhil. Thank you so much. Thank you, everyone. Thanks a lot for your time. Thanks. Thank you.